नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर केवीएस में जो आपके जेएसए की वैकेंसी है और एसएसए की वैकेंसी है उसका डिटेल कुछ मिल नहीं रहा है कि इसके बारे में क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कैसा ये जॉब है, कैसे इसमें जो है हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें जानकारी मैं आप लोगों को आज दे दे रहा हूँ। वैसे ये फॉर्म जो है आपका 5 दिसंबर से लाइव होगा, जो आपका नोटिफिकेशन आप देख रहे हो रोजगार समाचार में जो आपका निकला था उसके अकॉर्डिंग 5 तारीख से इसका नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म फिलअप होगा। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। टोटल आपके पास अगर हम देखें जेएसए और एसएससी को मिलाकर, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये 2 पोस्ट हैं आपकी, जो इससे पहले ये एलडीसी और यूडीसी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए आप लोगों को मिल नहीं रहा होगा क्योंकि नाम गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। जब एनवीएस की वैकेंसी आई थी उसमें भी जेएसए का पोस्ट था, उसमें भी एलडीसी और यूडीसी नहीं था, ठीक है, तो समझ लो ये वही पोस्ट है। दोनों पोस्ट मिलाकर 1024 पोस्ट है। अच्छा, एक तरह से मौका है उन बच्चों के लिए जिनकी टाइपिंग अच्छी है, स्टेनो अच्छा है, ठीक है, स्टेनो वाला भी पोस्ट है इसमें, स्टेनो के 54 पोस्ट है समझ लो। और बहुत ही जल्दी जॉब देना, जिसको बहुत जल्दी अगर है कि हाँ मुझे जॉब लेना है कोई ना कोई, तो आप इस फील्ड में जॉब ले सकते हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये डिस्कस हम करेंगे। हाँ, अभी नोटिफिकेशन आना है, हो सकता है कुछ नए चेंज हो जाएं, तो वो कुछ चेंज हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट वही चीज रहेगा जैसे पिछली बार रहा है। 2017 में ये फॉर्म आया था, ठीक है, बहुत कम समय मिला था, जितना समय फॉर्म फिल करके मिल रहा है उतना ही उस समय भी मिला था। ये 2017 में आया था और इसका एग्जाम जो है आपका 18 में हो गया था, ठीक है, एग्जाम फरवरी में हो गया था। और देखो समय भी वही चल रहा है, दिसंबर में फॉर्म आ रहा है तो फरवरी तक ये आपका एग्जाम करा लेगा। ओवरऑल फॉर्म फिलअप से लेकर और एग्जाम डेट तक, ठीक है, वो आपको 60 दिन का मौका देगा, 60 दिन मतलब 2 महीने का मौका देगा। तो अब इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं जेएसए में। तो जेएसए की जो एलिजिबिलिटी है आपको, ठीक है, जेएसए में टोटल आपके 702 पोस्ट हैं, इसमें जो आपके हैं वो 702 पोस्ट हैं, ठीक है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो या तो 12th आप रहो या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास, ठीक है, 12th पास होना चाहिए। यहाँ टाइपिंग के लिए इसलिए मैंने बोला कि टाइपिंग वाले बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त जॉब है कि इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, आप सब जान रहे हो कि जहाँ टाइपिंग होती है ये दोनों टाइपिंग मांगा जाता है, तो यहाँ पर भी दोनों टाइपिंग मांगा गया है। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट ये आपका होना चाहिए। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब उसमें कुछ बदलाव कर दे कि नहीं साथ ही साथ स्किल टेस्ट ले ले, तो उसमें अब नोटिफिकेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन पिछली बार जो ऐसा हुआ था वो पहले आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाले का आंसर आ गया था, मतलब एक तरह से बोला जाए रिजल्ट आ गया, उसके बाद से स्किल टेस्ट हुआ था। और ये स्किल टेस्ट मार्क्स का होता है लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये मैं बताऊंगा। चलो जैसे यहां पे बताऊं बताएं कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें। तो एग्जाम पैटर्न पूरा 2 घंटे का एक पेपर होता है, टोटल क्वेश्चन 100 थे, टोटल मार्क्स आपके 100 होते, ठीक है। अब यहां पर इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर मैथ ये आपसे पूछे जाते हैं, ये डिवीजन है आपके कि किसका वेटेज ज्यादा है। तो पार्ट ए जो होता है ये लैंग्वेज वाला बेस्ड होता है, तो जिसमें इंग्लिश और हिंदी के 20-20 प्रश्न आते हैं और आसान होते हैं। सिलेबस देखोगे ना तो सच में 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है बहुत हैट्रिक सिलेबस है, बहुत ही डिटेल पढ़ना है, साफ साफ पॉइंट मेंशन कर दिया है ये पढ़ना है आपको, तो वही वही पढ़ के जाओ, वहीं से क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आते हैं। जीके के 15 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के 15 आएंगे, ठीक है, और 15 ही आपका कंप्यूटर और 15 ही मैथ। तो ये मिला के टोटल आपके जो हमेशा हर जगह पढ़ते ही पढ़ते हो तो 60 प्रश्न तो यही हो गया, ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और हिंदी आपके 20-20 क्वेश्चन के रहेंगे, एकदम आसान से रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन ये हो गया, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। हम प्रीवियस कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए आज के कंपटीशन के हिसाब से। तो 100 क्वेश्चन आपके ये हो गए, सिलेबस भी अभी डिस्कस कर देंगे। स्किल टेस्ट में क्या है कि टाइपिंग टेस्ट है, ये 50 मार्क्स का होगा, ये टाइपिंग टेस्ट पहला वाला पार्ट, और एक दूसरा इसी में होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्या होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको कुछ काम दे दिया जाएगा जनरली सेट आउट करने के लिए, वो आपको देखा जाता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बस इसको क्वालिफाई करना रहता है, इसका मार्क्स कहीं भी मेरिट पर इंपैक्ट नहीं डालता है,
ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट ये बाद में पहले कराया जाता था, लेकिन अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर होगा कि कैसे आपको करना है। ये मैं पिछला आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग में ये आपको सब बता रहा हूं, तो आपको आकर ऐसा ना लगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पोस्ट का ही डिटेल दिखा नहीं रहा। ये अपर डिवीजन जो क्लर्क है, ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहां देखो, ये अपर डिवीजन जो क्लर्क है, यही आपका एसएससी हो गया है। अब इसका नामकरण चेंज कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 3 घंटे का पेपर होता है, 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 160 मार्क्स का होता है, पूरा वही है जो जेएसए का है, ठीक है, एसएससी में भी। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं बता दूंगा। जैसे इसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश का है, सेम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, ठीक है, उसके ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यूज ऑफ ए एंड द, मतलब आर्टिकल हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस है, जनरल हिंदी, तत्सम, तद्भव, ये भी 20 प्रश्न है। देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपके टोटल 20 प्रश्न है, मतलब 10 क्वेश्चन इसके हैं, 10 क्वेश्चन इसके हैं, और जीएसए में ये 20-20 प्रश्न है, 40 प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मोहरे, लोकंतिया, शुद्ध, अशुद्ध, वाक्य संधि, विच्छेद, अलंकार, समास, वचन लिंग, अनेकार्थी, और वाक्य के लिए एक शब्द। यहां पे उसके बाद से जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर मिला के 30 क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज का हो गया, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का हो गया, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का हो गया। कंप्यूटर में भी जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसके बाद से कुछ टेक्नोलॉजी एक्ट दिया है, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस, ये सब आपके कंप्यूटर में जनरल सा टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका वही, आपका एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमिलरिटीज, नंबर सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और लेटर एंड नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, मैक्सिमम कोडिंग और एनालॉजी से है, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये नहीं दिया है इसमें, ठीक। तो 10 क्वेश्चन 30 ये हो गए। हाँ, उसके बाद से देखो, हाँ, इसमें पार्ट थर्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस का 90 क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें 90 क्वेश्चन होता है। यहां पे दे दिया सीसीएस जो आप वर्क किए हो, क्योंकि इसमें मैं एलिजिबिलिटी अभी बताऊंगा। फिर कंप्रिहेंशन होता है 20 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन के ये होते हैं। बाकी आपके यहाँ 15-15 क्वेश्चन के जो आपके टॉपिक दिए गए हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस वाला, वो आपका होता है पार्ट थर्ड में। तो ओवरऑल इसके जो क्वेश्चन होंगे 90 होंगे, 90 और 30 120, और 120 और यहाँ पे जो था आपका, यहाँ पे 20 था, हाँ, 100 टोटल 160 होते हैं, तो 20 ये हो गया आपका, 30 ये हो गया, 50 और 140, 140 और 20 160, टोटल 160 क्वेश्चन एक कंप्रिहेंशन वाला मिला लो तो, ठीक है। तो 160 प्रश्न आपके किसमें होंगे, पहले जो यूडीसी होता था वही हमें लग रहा है अब एसएससी के नाम से आएगा आपको वैकेंसी। अच्छा, अब इसकी बात करें एलडीसी की, हाँ, उसमें चलो एलडीसी की बात किया जाए तो एलडीसी में क्या है, स्टेनो वाला देख लो, स्टेनो ऑलमोस्ट यही रहेगा। स्टेनो में भी आपका वही है, 40 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से है, मतलब 20 आपका इंग्लिश है, 20 हिंदी है, तो ये लैंग्वेज वाला हो गया। उसके बाद 60 क्वेश्चन वही जेएसए की तरह है, इसका भी जेएसए की तरह आपका ये भी है, 15-15 क्वेश्चन सब है, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ। तो इसका स्टेनो वाला आपका सेम है, इसके में स्किल टेस्ट है। स्टेनो में स्किल टेस्ट क्या है कि 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड चाहिए, 50 मार्क्स का है। फिर टाइपिंग टेस्ट है 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और 35 वर्ड पर मिनट, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का दिया है। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये सभी क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब आ जाओ उसके बाद, इसके बाद से आ जाओ, इसमें कौन सा पोस्ट है, स्टेनोग्राफर में कोई भी इंटरव्यू नहीं है आपका, एलडीसी वाले का वो दिखा दे रहे हैं आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में।
इसमें देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन था, यहाँ आ जाइए, अपर डिवीजन क्लर्क, यहां था ग्रेजुएट, इसमें मांगता है अपर डिवीजन क्लर्क में आपका क्या मांगता है, ग्रेजुएट मांगता है, ठीक है, और 3 ईयर एक्सपीरियंस एज एलडीसी इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपका हो और कंप्यूटर का नॉलेज हो तब आप इसे यूडीसी वाला भर सकते हो। स्टेनोग्राफर में 12th पास या इक्विवेलेंट, स्किल टेस्ट में डिक्टेशन आपका 10 मिनट्स का होगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखना है वो, उसके बाद से 50 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद से यहां पे 60 मिनट्स ऑफ आपका हिंदी ऑन कंप्यूटर। अब लोअर डिवीजन में आ जाओ, लोअर डिवीजन क्लर्क में क्या करना है कि ये 12th पास है, इक्विवेलेंट मांगा है, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, वर्किंग नॉलेज आपकी हिंदी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीजें। फिर लाइब्रेरियन का दिया है तो हमें अभी आपको, हाँ यहां पे आ गए, एलडीसी वाला आपने देख लिया, एलडीसी का सिलेबस एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, फाइनेंस ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट हो गया, इसमें आप नोटिफिकेशन जब आएगा तो और क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या, हिंदी ट्रांसलेटर ऑलमोस्ट आपका यही रहने वाला है। स्टेनो वाले का और आपके एलडीसी का सिलेबस सेम रहेगा, लोअर डिवीजन क्लर्क। अब लोअर डिवीजन क्लर्क को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, जेएसए के नाम से जानेंगे, ये आपके एनवीएस में भी हुआ है और इसमें भी होगा। 2 घंटा 100 क्वेश्चन, देखो इसमें सिलेबस देख लो एक बार, कंप्रिहेंशन थोड़ा सा उससे अलग है जो आपको मैंने आपका यूडीसी वाला बताया था। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस, ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है दिया है, यूज ऑफ ए एन एन, द इडियम एंड फ्रेजेस, हिंदी वाला आपका सेम वही है जो बताया, समास है, अलंकार है, संधि विच्छेद है, लिंग है, वाक्य है, ये सब है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। फिर साइंटिफिक रिसर्च है, करेंट का पोर्शन है ये, अवार्ड, स्पोर्ट और करेंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड का दोनों बोला है, तो एसएससी की तरह कहीं ना कहीं इसमें पूछा जाएगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग में आपका रीजनिंग का टॉपिक वही है, कंप्यूटर आपका सेम है, जनरल जो आपके हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसी के बेसिस पे कंप्यूटर का सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एकदम आपका अर्थमेटिक है, बेसिक सा, नंबर सिस्टम, टाइम वर्क एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद से टाइम एंड डिस्टेंस है। तो ये 15 क्वेश्चन है, तो ये आपके क्या है, ओवरऑल रिटन का है, ऑब्जेक्टिव वाले का है। स्किल टेस्ट में मैंने बताया था कि स्किल में आपका 50 मार्क्स ये है, 100 मार्क्स का ये है, लेकिन इसका मार्क्स को इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आगे क्या होगा, नए नोटिफिकेशन में क्या इसको मार्क्स में रखा जाएगा कि नहीं, या डायरेक्ट इसको क्वालिफाई कर दिया जाए, वो तो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। तो जो बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि मैं ये बता दूं कि एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है, सबसे पहली बात कि एग्जाम कब होगा ये ध्यान दो। एग्जाम में आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, एग्जाम में मैंने शुरुआत में आपको बोला कि एग्जाम ऑलमोस्ट आपका, ठीक है, फरवरी सेकेंड वीक या फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका हो जाएगा स्टार्ट, आपका डेट आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। फॉर्म से लेकर एग्जाम तक आपको ये मात्र 16 डेज देगा, मात्र 16 डेज देगा, तो आज से ही आपकी काउंटिंग शुरू हो गई है 60 डे की, ठीक है, 5 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, तो परीक्षा प्लस द्वारा जो है आपका जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए एक पूरा फुल बैच आपको निकाला जा रहा है जो डेडिकेटले जेएससी के लिए होगा, और जेएससी और स्टेनो इसमें आ सकते हैं क्योंकि स्टेनो का भी सिलेबस वही है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो है अभी ऑफर में 499 का ये बैच है, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ क्लासेस आपको कि क्या रहा, कैसे आपके एग्जाम पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, कैसे हमें पढ़ना है, कितने दिन में इसको हम खत्म कर ले जाएंगे, वो चीजें आपको
टीम के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आपको बता दी जाएगी कि कितना आप पढ़ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब कितना पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन हो जाए सिर्फ 60 दिन में, वो आपको अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। पूरा कोर्स आपको 499 में ये मिलेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है, वीडियो क्लासेस रहेंगी और सेक्शनल टेस्ट भी रहेगा। इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी लिया जाएगा। जो भी आपको दिक्कत होगी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पे आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि कट ऑफ क्या था पिछली बार, ठीक है, कट ऑफ क्या था, कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पिछले वाला कट ऑफ देके हम जान जाएं कि उतने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम एसएससी की बात करें, मतलब यूडीसी जो जाना जाता था पहले, जो यूडीसी जाना जाता था, वो उसका कट ऑफ 89 पॉइंट समथिंग पे था, ठीक है। और जो एलडीसी और जो इस समय जेएससी के नाम से आपका जाना जाएगा, इसका जो कट ऑफ था, जनरल का मैं बता रहा हूं, बाकी थोड़ा मोड़ा इधर उधर सब चलता रहता है, 83.5 के अप्रोक्स में था, ठीक है। तो यहां में सबसे ज्यादा पोस्ट है, बच्चे यहां पर रहेंगे। स्टेनो का कट ऑफ कम था, 77 पे था, स्टेनो का 77 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 5 के अप्रोक्स। तो ये स्टेनो का कट ऑफ था। तो क्या हम 83 100 में से, और ये निगेटिव मार्किंग नहीं थी उस समय शायद, अब का ये निगेटिव मार्किंग कर दे वो दूसरी बात है। और ये जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी ही होगा, जैसे का एग्जाम सीबीटी होगा, अभी एनवीएस का हुआ है उसी अकॉर्डिंग ये मान लो सीबीटी ही होगा, और पिछला भी सीबीटी ही हुआ था। तो ये जो 83.5 पे क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस समय ये कट ऑफ गया था 100 में से। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये नंबर नहीं, आपको 90+ सोचना है। क्या सोचना है, 90+। तो ऐसा नहीं है 100 में 90+ बहुत मार्क्स होता है, तो उसको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ही ला सकते हो, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत डिफाइंड दे दिया है कि कहाँ से वो पूछेगा। अगर उसको कंप्यूटर भी पूछना है तो वो गिवन टॉपिक दे दिया, हिंदी भी पूछना है तो वो टॉपिक दे दिया है, इसीलिए ये जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सब हिंदी है दिया है तो हिंदी पूरा राम गाथा पढ़ डालो तो आ जाएगा, इंग्लिश है तो पूरा पढ़ डालो तो उससे नहीं, आपको जो दिया है उसी पर पढ़ो, उसी पर प्रैक्टिस करो। इसीलिए यहाँ सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट सीरीज और वीडियो क्लासेस आपको डेडिकेटेड दिया जाएगा जेएससी के लिए। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ जाइए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाइए, वहां से कोर्स को आप रजिस्टर कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है आपको, मैंने आपको पूरा एलिजिबिलिटी बता दिया, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। और कंप्यूटर के लिए, जिसको कंप्यूटर टफ लग रहा है, एकदम निश्चिंत रहो, मैं हूं कंप्यूटर में, उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए इतना कट ऑफ जाता है 100 में से, कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा लो लेवल का था। हाँ, हो सकता है कि आप पेपर में कुछ कठिनाइयां हो जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बच्चे जो है उनका लेवल भी बढ़ चुका है, उनके कंपटीशन का हर प्रकार के बच्चे आपसे अब कंपीट करने आ गए। तो जिनको भी तैयारी करना है भाई, आपके पास समय एकदम नहीं है, 5 तारीख से आपको सिर्फ 60 दिन मिलेगा, इधर के जो 2-3 दिन आपको मिल गए हैं, 5 दिन वो एक्स्ट्रा ही मान के चलो, तो 60 दिन आपके पेपर में है बस। तो सभी लोग तैयारी में जुड़ जाइए, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको आपके समस्या का समाधान हो। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।